ओम शांति। आत्मा बनकर बैठे अपने मस्तक सिंहासन पर। बाबा ने आकर हमारे स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा दिया है। हमारी हीन भावनाओं को समाप्त करके हमें महान बना दिया है। कहाँ हम मांगते फिरते थे और कहाँ हमें दाता बना दिया। मांगते क्या थे? रोटी पैसा नहीं, मान सम्मान, अनेक तरह की मदद। दूसरों की ओर प्यासी नजरों से देखते थे, उनकी ओर जिनके पास देने को कुछ भी नहीं है, जिनके मटके पहले ही खाली हैं। और बाबा ने आकर हमें याद दिलाया, बच्चे मंदिरों में तुम्हारी पूजा हो रही है, सभी तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। हे देवी, हे देव, तुम तो दुखहर्ता हो, भाग्य विधाता हो, वरदाता हो, तुम तो देने वाले हो, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करो, हमें याद दिला रहे हैं। बाबा ने भी आकर याद दिलाया, तुम पूर्वज हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम्हें सबको देना है। संसार की अनेक आत्माएं दुख शांति में, समस्याओं और विघ्नों में, रोग और शोक में, स्वार्थ और परेशानियों में जीवन व्यतीत कर रही हैं। तुम उन सब के बड़े हो, तुम्हारे में देने की क्षमता है, क्योंकि बाबा ने तुम्हें भरपूर कर दिया है। तुम देते चलो, सम्मान भी देते चलो, स्वमान भी देते चलो, प्यार भी देते चलो। तुम सम्मान लेने वाले नहीं, देने वाले हो। तुम मान लेने वाले भिखारी नहीं, तुम देने वाले दाता हो। सोचो, तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है, मनुष्यों से मान लेकर क्या करोगे? वो तो आज देंगे, कल कुछ और देंगे, फिर कुछ और देंगे। तुम्हें तो स्वयं भगवान मान दे रहा है, स्वमान दे रहा है, ऊंचा उठा रहा है। तो आओ हम दाता बने। मन में किसी भी चीज की लेने की इच्छा न हो। जो रॉयल होते हैं, जो राजन होते हैं, उनकी आंख किसी में भी नहीं डूबती, अर्थात वो किसी की ओर भी प्यासी नजरों से नहीं देखते, वो किसी की ओर भी अट्रैक्ट नहीं होते। हम दाता हैं, हमारी नज़र भी किसी में नहीं डूबनी चाहिए। हमारी नज़र तो केवल एक में समा गई है, एक से ही सब कुछ लेना है, एक ही सबसे अधिक सुंदर है, वही सबसे अधिक प्यारा है, सत्यम शिवम सुंदरम है, बहुत कल्याणकारी है। जिसके मन में हमारे लिए कभी भी अकल्याण की भावना नहीं होती। तो बाबा ने कहा, तुम दाता बन जाओ, संगम युग पर दाता बन जाओ, तो जन्म जन्म तुम्हारे राज्य में प्रजा भरपूर रहेगी। कितना सुंदर रहस्य सृष्टि का स्पष्ट कर दिया। किसी के राज में प्रजा भूखी, रोती, दुखी, अशांत रहती है, और किसी के राज में सब सुखी होते हैं, सुख चैन की बंसी बजाते हैं, गहरी नींद सोते हैं, निर्भय रहते हैं, देते रहते हैं। बाबा हम सभी में राजाई संस्कार भर रहे हैं। राजयोग इज द ट्रेनिंग टू एडमिनिस्ट्रेट द वर्ल्ड। राजयोग वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग है। जैसे हमारे यहाँ IAS है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ऐसे ही हम सीख रहे हैं वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ट्रेनिंग मिल रही है हमें। बाबा हमें विश्व का राज भाग देने आया है। राज भाग देने से पहले हमें ट्रेंड कर रहा है, तुम्हें कैसे राज भाग चलाना है, और राजयोग उसकी सर्वोत्तम ट्रेनिंग है। तो आइए दाता बने, स्वमान में खड़े हो जाएं,
मैं सबको देने वाली महान आत्मा पूर्वज आत्मा हूँ। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुझसे जुड़ा है सारा संसार। ये ईश्वरीय वाइब्रेशंस सभी आत्माओं को जा रहे हैं। अपने चारों ओर देखो, दृष्टि दे दो सबको। करोड़ों आत्माएं चारों ओर दिख रही हैं। बाबा की किरणें मुझे आ रही हैं, मुझसे इन करोड़ों को जा रही हैं। ऐसे दातापन का अभ्यास आज हर घंटे में दो बार करेंगे। ओम शांति।